अब हम ना अगली डिजीज पे चलते हैं, शीट ब्लाइट ऑफ राइस। ये होती है आपकी राइजोक्टोनिया के द्वारा। ये शीट ब्लाइट को शीट ब्लाइट ही कहते हैं, मतलब जो राइस की शीट है उसका झुलसा रोग। राइजोक्टोनिया सोलेनाई से ये डिजीज होती है। ये कौन सी फंजाई है? ड्यूटेरोमाइसिटिस, जो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, इम्परफेक्ट फंजाई जो है ये आपकी ड्यूटेरोमाइसिटिस है, जिसकी परफेक्ट स्टेज है कॉक्लियोबोलस मियाबिनस। ठीक है, ये जो है इसके इसके जो सिम्टम्स आते हैं, प्लांट का बोना पर बोना रह जाना और जो बालियां निकलती हैं वो कम हो जाती हैं, बालियां की अमाउंट निकलने का रिड्यूस हो जाता है, पत्तियां पीले या ऑरेंज येलो यानी कि नारंगीपन लिए हुए पीले रंग की होने लगती हैं, जैसे कि रस्ट रस्ट कलर के, रस्ट यानी जंग जैसे स्पॉट इस पर ये देख रहे हैं आप दिखाई देने लगते हैं। इनकी लीव का पीलापन जो डिस्कलरेशन शुरू होता है टिप से शुरू होकर नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और एक्सटेंड डाउनवर्ड टू ब्लेड और लोअर लीफ पोर्शन, लीव के लोअर पोर्शन पर ये बढ़ना शुरू होता है, मतलब टिप से शुरू होगा और नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। पैनिक इसकी वजह से, इस डिजीज की वजह से इसमें फूल आने का टाइम बढ़ जाता है, डिले हो जाता है, पेनिकल्स स्मॉल रह जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली नहीं बनते हैं, और इनकी वजह से, इस डिजीज की वजह से पेनिकल जो है ये छोटे रह जाते हैं, और इसके अलावा पेनिकल मतलब क्या होता है, स्टराइल रहते हैं, उनमें जो ग्रेन है चावल का जो दाना बनने की अमाउंट है वो कम हो जाता है। इसकी फंगस जो है सेप्टेट माइसीलियम होता है इसका। मैं बार बार आपको माइसीलियम के बारे में बात कर रही हूँ, माइसीलियम के बारे में, है ना, माइसीलियम बार बार कवक जाल, इसका कवक जाल पट युक्त होता है, ठीक है, और जब यग होता है तो वो हाईलाइन होता है, हाईलाइन से मतलब किसका कलरलेस होता है, और जब वो मैच्योर होता जाता है तो वो येलोइश पीलापन लिए हुए ब्राउन कलर का हो जाता है। इसके बाद इसके माइसीलिया से कई सारे स्क्लेरोशिया ये बनाता है, जो पहले व्हाइट कलर का होता है, ये देख रहे हैं आप लिखा है इसमें, ये मैं आपको स्लाइड ऑलरेडी दे चुकी हूँ, व्हाइट कलर का होता है जो बाद में ब्राउन या पर्पलिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ये जो मैं इस ग्लोबोस स्क्लेरोशिया की बात कर रही हूँ, स्क्लेरोशिया एक्चुअली आपके सेकेंड सेमेस्टर में बताते हैं स्क्लेरोशिया क्या होता है। जब फंजाई है, फंजाई का जो कवक जाल है, जब अपर ये परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में कवक जाल इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से, ये जैसे ये कवक जाल होता है इसका, इस तरह से आप बनाएंगे इसको कवक जाल, इस तरह से एक के बाद इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, और इसके केस में ये ग्लोबल ग्लोबोस की ऐसे इस तरह से राउंड शेप ले लेता है। ये आपस में इकट्ठे होकर एक थिक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं कवक जाल, ठीक है, माइसीलियम, जिसको कि हम कहते हैं स्क्लेरोशिया, ठीक है, स्क्लेरोशिया को हिंदी में भी स्क्लेरोशिया कहते हैं और इंग्लिश में भी स्क्लेरोशिया कहते हैं, ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पर, कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट मासेस ऑफ माइसीलिया, ठीक है, आपस में इकट्ठा होकर एक हार्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया इसमें ग्लोबोस या हेमिस्फेरिकल फ्लैटेंड होता है, ऐसे उभर गोल गोल है लेकिन पट है, फ्लैट है, चपटा है, बॉटम पर चपटा है, व्हाइट अभी मैंने बताई दिया, बाद में जो है ये ब्राउन कलर का हो जाता है। अब इन्फेक्शन, इसमें प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है आपका? सीड बॉर्न और सॉयल बॉर्न। ये आप जो धान का सीड है, धान का जो सीड है
उसमें ये फंजाई सरवाइव करती है या ये मिट्टी में कई सालों तक पड़े रहते हैं। ये जो आप स्क्लेरोशिया की मैं जो बात कर रही हूँ, ये स्क्लेरोशिया मिट्टी में कई सालों तक ऐसे ही पड़े रह सकते हैं अगर परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं हैं। अनुकूल परिस्थितियां आते में ये तुरंत स्क्लेरोशिया जो है जर्मिनेट कर जाते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन, अब इसके केस में कोनिडिया होते नहीं है इस फंजाई में, तो ये स्क्लेरोशिया या माइसीलियम ही आगे सेकेंडरी इन्फेक्शन का काम करता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन कब होता है? प्राइमरी सोर्स क्या होती है, मतलब जब पहली बार खेत में इन्फेक्शन आए तब उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन जब उसके बाद, जब एक बार खेत में आ चुका है और खेत में आने के बाद वो एक क्रॉप एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलता है, उसको कहते हैं हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ये फील्ड में ये इसकी स्क्लेरोशिया गिर जाते हैं, वो भी ये प्रीवियस क्रॉप से गिर गए वो भी काम करते हैं, और उसके बाद इसका माइसीलिया प्लांट डेब्रिस में ये भी इसका काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इसका है इपिडेमियोलॉजी। ये बताई दिया अभी, स्क्लेरोशिया इसके आगे काम करते हैं, ये पानी पर तैरते रहते हैं। जब पानी खेदान में क्या होता है, बहुत सारा पानी आप लगाते हैं तो पानी उसमें भरा रहता है, पानी जो है उसपे ये तैरती रहती हैं, और ये जब जैसे ही इनको क्रॉप मिलती है ये उस पर जाकर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। डिजीज मैंने बताया ये अभी सॉइल में जो डिजीज प्रेजेंट होती है उसकी वजह से। अब इसके लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर इसके लिए बहुत सारा चाहिए, यानी कि 96 से लेकर 100% तक इसमें मॉइस्चर होना चाहिए ह्यूमिडिटी प्लांट पर, और टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जब हम लगाते हैं ना, कि बहुत सारा नाइट्रोजन लगा दो, इसमें हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो इसको डिजीज को बढ़ाने का काम करता है। राइस में ज्यादातर आप डिजीज देख रहे हैं, राइस को में बढ़ाने का काम कर रही है डिजीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। फिर हाई सीड रेट, मतलब आपस में प्लांट इतने नजदीक नजदीक हैं जिसकी वजह से भी डिजीज को बढ़ावा मिलता है, और फ्रीक्वेंट रेन, उस टाइम पे लगातार बारिश होती रहे। इसके बाद ये लाइफ साइकिल दी है कि ये कैसे दोबारा ये स्क्लेरोशिया कैसे इसके संपर्क में आई, ये मैंने आपको दे दी है स्लाइड भी, कैसे स्क्लेरोशिया इसके संपर्क में आता है ये देख रहे हैं। यहाँ पर ये पानी के तैरता हुआ यहाँ आ गया, या माइसीलिया या फंगस। फिर उसके बाद ये माइसीलिया या ये स्क्लेरोशिया ये इसके अंदर यहाँ पर ये आ गए, यहाँ पर स्क्लेरोशिया इससे घुस गया इसके अंदर, फिर यहाँ पे माइसीलिया या माइसीलिया प्लांट डेब्रिस से इसके अंदर आ गया। फिर इसके बाद फंगस जो है प्लांट टिश्यू के अंदर अपना घर बनाना शुरू करती है, और शीट ब्लाइट के सिम्टम प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा ये डिजीज अपने अंदर टिश्यूज को कॉलोनाइज करती जाएगी, टिश्यूज में अपने घर बनाती जाएगी, ये डिजीज फैलती जाएगी, सिम्टम्स आपके फैलते जाएंगे। इसके बाद इसके फलस्वरूप इसके साथ माइसीलिया के तुरंत बाद इसमें स्क्लेरोशिया बनने शुरू हो जाते हैं, जो हार्ड स्ट्रक्चर है, सर्व एज सर्वाइवल स्ट्रक्चर बिटवीन दी क्रॉप्स। अगर जब क्रॉप नहीं है तो सर्वाइवल के लिए ये सर्वाइवल स्ट्रक्चर का काम करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो हर डिजीज में कॉमन है, रेजिस्टेंट वेराइटीज का लगाना। ठीक है, अवॉइड यूजिंग इन्फेक्टेड सीड, सीड को आप ट्रीट करके लगाएंगे, इन्फेक्टेड सीड अगर दिख गया है उसको निकाल देना है, छांट के निकाल देने हैं। मॉडरेट नाइट्रोजन लेवल, और जो ज्यादा से जो एक्सेस नाइट्रोजन हम लगा देते हैं उसको नहीं लगाना है। इसकी बजाय नाइट्रोजन की मात्रा 80 से 100 kg पर हेक्टेयर रखनी है, और स्प्लिट में, मतलब ये एक एक जब क्रॉप लगा रहे हैं तब लगा दिया, फिर उसके बाद प्लांट आएगा उसमें टिलरिंग आएगी, इस तरह से इसको 3 से 4 टुकड़ों में बांट देंगे। नाइट्रोजन एक बार में अप्लाई ना करके क्रॉप की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो भूसा है, वीड है, उसको खत्म कर देंगे। ये भी सोर्स इसमें डिजीज को इन सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, इसलिए इसको काम करेंगे। ये
ब्राउन प्लांट हॉपर ये डिजीज को फैलाने का काम करता है, इसको रोकेंगे। ठीक है, केमिकल कंट्रोल कार्बन डेजिम है, सीड ट्रीटमेंट विथ कार्बन डेजिम है, कार्बन डेजिम का ही स्प्रे है ये, आपको इसमें करना है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है अमाउंट, इसकी डिटेल आप इसमें से याद कर लेना।